है ना कि छोटी सुई दो है, बड़ी आठ पे है। अच्छा अच्छा, तो मैं कैसे बताऊंगा उसे 2:40। अच्छा, तो इसके मिनट के लिए क्या कर रखा है आपने? मिनट के लिए मैंने छोटे छोटी ये पट्टियां बना रखी है। अच्छा, ये बना रखे हैं, तो ये इसमें फिक्स हो जाएगी। डिवीजन बोर्ड, यूनिट डिवीजन बोर्ड, इससे हम बच्चों को डिवाइड करना सिखाएंगे। अच्छा, आप डिवाइड कैसे करेंगे? बच्चों को डिवीजन का पता चलेगा इससे, भाग मतलब कितनी डिजिट तक भाग हो सकता है इसमें। इसमें होगा आपका क्षेत्रफल बोर्ड है। हाँ हाँ हाँ। इसमें हम रखेंगे जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर रखेंगे। अच्छा, तो जितना एरिया कवर करेगा। हाँ। इसको गिन के इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, तो मतलब कौन कौन सी शेप का एरिया निकाल सकते हैं हम इसमें? हम इसमें से कोई से भी इरेगुलर शेप या कोई सभी शेप का एरिया निकाल सकते हैं इस मॉडल के माध्यम से। सर, हमारा मॉडल बेसिकली है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के हैं। तो बच्चों अभी हम कंक्रीट लेवल पे मतलब कि कोई चीज जो छूके वो देख सके, वो अच्छे से अनुभव कर सके, तो हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट उन्हें सिखा रहे हैं। अच्छा, इवन है कौन सा ऑड है, फिर उसमें जो इवन नंबर होगा उसको कलर कर दूंगी। अच्छा, इसमें भी लिख के ना, तो मैं इसमें मतलब छेद करके इसको घुमाऊंगी। जैसे क्या है कि मतलब अरबिक नंबर तो आराम से जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रोमन नंबर बच्चों को जो है सिखाने में थोड़ा। अच्छा, रोमन नंबर की संगणना ही सिखाएंगे आप बच्चों को? तुम्हें बताऊंगा मैं एंगल्स क्या, कितने टाइप के एंगल होते हैं। अच्छा, कोण बताएंगे मतलब आप बच्चों को? हाँ, टाइप के एंगल होते हैं। एंगल वैसे होते हैं जैसे एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल। अच्छा, किलो, डेका, सेंटीमीटर, मतलब मीटर की यूनिट की ये देंगे आप इसको? मजा आएगा, वर्किंग मॉडल एकदम मजा आएगा कि सोच ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत स्ट्रिप्स है। हाँ हाँ, इसके हेल्प से हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाएंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब हिंदी में कन्वर्जन। हाँ, यूनिट का। अच्छा अच्छा। हाय हेलो नमस्कार पाइलाग साथियों, मैं नीरज कंडूड़ी देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे ट्रेनीज जो है यहाँ पर उनकी मैथ्स की वर्कशॉप चल रही है, तो क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित की संगणनाएँ क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या गणनाएँ सिखाएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आज की वीडियो उस पर आधारित होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे ट्रेनिंग। तो साथियों, आजकल क्या हो रहा है, कॉलेज में चल रहा है हमारा टीचर लर्निंग मटीरियल का कार्यक्रम, मैथ्स की वर्कशॉप चल रही है, तो सभी बच्चे अपने अपने मॉडल बना रहे हैं, वर्किंग मॉडल, ताकि बच्चों को सिखा सकें कैसे मतलब मैथ्स में जो भी क्या बोलते हैं गणनाएं हैं या जो भी फ्रैक्शन वगैरह हैं, जो भी उनको ज्ञान देना है प्राथमिक लेवल तक। सभी बच्चे लगे हुए हैं काम पे, आप देख सकते हैं पीछे, एक एक करके सभी के पास ले जाएंगे आपको, और क्या बोलते हैं कारपेंटर भी आ रखे हैं। तो चलिए सैर कराते हैं आपको क्या क्या चल रहा है आजकल कॉलेज में ट्रेनिंग पीरियड में। और साथियों, आप देख सकते हैं बच्चों के आर्टिकल सूख रहे हैं, इनमें प्राइमर हो रखा है अभी, ये सब प्राइमर हो रखा है और इनको धूप में रखा गया है, और सभी साथी लगे हुए हैं अपने अपने काम में। मेरा तो रोल नंबर लेट है, मेरा नंबर अभी लेट आएगा। और यहाँ पे रतूड़ी जी, रतूड़ी जी क्या बना रहे हैं आप? ये भाई साहब दीवार घड़ी बन रही है। दीवार घड़ी जी सर। वर्किंग है या ऐसी है मैनुअल? अच्छा, बच्चों को टाइम बताना सिखाना है आपको? अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिए जरा, थोड़ा हाथ में उठाइए इसको। वेरी गुड, बड़ी 8 पे है। अच्छा अच्छा, तो मैं कैसे बताऊंगा उसे 2:40। अच्छा, तो इसके मिनट के लिए क्या कर रखा है आपने? मिनट के लिए मैंने छोटे छोटी ये पट्टियाँ बना रखी है। अच्छा, ये बना रखे हैं, तो इसमें फिक्स हो जाएगी? हाँ, जैसे ये 5 है। अच्छा, एक पे 5 मिनट होता है। हाँ, तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। वेरी गुड, चलो बनाओ बनाओ फिर। हैं, शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है रतूड़ी? ठीक है ठीक है, तब लास्ट में लेते हैं आपसे, है ना? तो साथियों, अब ले चलते हैं दूसरे साथियों के पास। यहाँ पे चल रहा है, ये किसका प्रोजेक्ट है जी? ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये आपका प्रोजेक्ट है? हाँ। आपका क्या प्रोजेक्ट है मैम जी? ये बन रहा है यूनिट डिवीजन बोर्ड। क्या बन रहा है? यूनिट डिवीजन बोर्ड। यूनिट डिवीजन बोर्ड, इससे हम बच्चों को डिवाइड करना सिखाएंगे। अच्छा, आप डिवाइड कैसे करेंगे? बच्चों को डिवीजन का पता चलेगा इससे। हाँ। भाग मतलब कितनी डिजिट तक भाग हो सकता है इसमें? इसमें होगा आपका 1 to 99। अच्छा, 1 to 99, सॉरी 81 तक भाग, और मल्टीप्लाई भी है इसमें? मल्टीप्लाई का भी यूज कर सकते हो। मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना? मल्टीप्लाई विद डिवीजन। अच्छा, और अभी क्या चल रहा है इसमें? प्राइमर। अभी हम इसमें प्राइमर कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या काम होगा इसमें आगे? पहले प्राइमर होगा, सूखेगा, फिर हम पेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर फाइनल में दिखाएंगे क्या क्या बनाते हैं आप, ठीक है? करिए करिए, शुभकामनाएं आपको। हाँ, थैंक यू। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर चल रहा है किसका प्रोजेक्ट है? अंकित विष्ट का। तो अंकित जी क्या, अंकित रावत क्षमा चाहेंगे। तो अंकित रावत, क्या है आपका इसके पीछे विजन, क्या सिखाएंगे आप बच्चों को इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से?
इस बोर्ड के माध्यम से मैं सिखाऊंगा एरिया कैसे निकालना है। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल किस किस चीज का क्षेत्रफल अंकित जी? जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो साथियों ये है हमारा संगतकार चल रहा है ग्रुप एक्टिविटीज, और इनसे बच्चों में ग्रुप में कैसे काम करते हैं वो सीखते हैं ग्रुप एक्टिविटीज। तो रावत जी क्या बोल रहे थे आप, क्षेत्रफल बोर्ड है आपका? क्षेत्रफल बोर्ड है। हाँ हाँ हाँ। इसमें हम रखेंगे जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर रखेंगे। अच्छा, जितना एरिया कवर करेगा उसको गिन के इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो मतलब कौन कौन सी शेप का एरिया निकाल सकते हैं इसमें? हम इसमें से कोई से भी इरेगुलर शेप या कोई सभी शेप का एरिया निकाल सकते हैं। तो बताओ किसकी शेप, मेरे को शेप बताओ किस शेप का एरिया निकाल सकते हैं, मतलब जो 2D वाले हैं, 2D शेप हुए उनका एरिया निकाल सकते हैं। 2D शेप तो सिलेंडर होना चाहिए या स्फीयर होना चाहिए? 2D शेप है भाई। अच्छा, तो मतलब सर्किल वगैरह का भी आएगा सर? हाँ, इसमें सर्कल आ सकता है, सर्कल में जितना ही एरिया कवर करेगा। अच्छा, वो एरिया निकाल। अच्छा, तो जो मतलब आप इसमें यूनिट बनाएंगे उसकी आप 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना रखेंगे? इसमें रखूंगा मैं 4 स्क्वायर फीट का एक यूनिट। 4 स्क्वायर फीट बराबर 1 यूनिट। तो मतलब उसमें हम सर्कल, स्पेयर वगैरह का भी निकाल सकते हैं। और सिलेंडर? सिलेंडर 2D ओनली। ओके, ट्रायंगल का भी? ट्रायंगल का निकाल। ठीक है ठीक है, अब चलते हैं साथियों, अंकित जी का हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ पर जसपाल जी का ये बन रहा है। इन्होंने धूप से इसको बचाने के लिए, धूप में धूल भी उड़ रही है। अच्छा अच्छा, तो ये है हमारा मॉडल। अच्छा अच्छा, ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो साथियों ये है हमारे बहुत बुद्धिजीवी ट्रेनी, यहाँ टिहरी गढ़वाल से हैं, जौनपुर से, इनका नाम है जसपाल सिंह पंवार। तो जसपाल बताइए आप बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं इस मॉडल के माध्यम से? सर हमारा मॉडल बेसिकली है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, कि कक्षा 1 से 5 तक के हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चों अभी हम कंक्रीट लेवल पे मतलब कि कोई चीज जो छूके वो हाँ देख सकें। हाँ हाँ। वो अच्छे से अनुभव कर सकें। हाँ। तो हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट उन्हें सिखा रहे हैं। अच्छा। जो त्रिभुज होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। अच्छा, लेकिन बोलने में तो आसान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जब तक कोई चीज देख नहीं लेते हैं तब तक वो उस चीज को उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये त्रिभुज बनाया है तो थोड़ा दिखाएंगे आप मतलब कैसे करेंगे अगर आपको कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये सेट जो है स्पेसिमेन हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। अच्छा, इस बोर्ड पे। तो ये हमारा फिर इस तरह से जो है ये बन जाएगा। हाँ हाँ, उसके बाद जो इसके एंगल हैं हाँ 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 ये सेट करेंगे। हाँ, फिर इनको अलग से निकाल के। अच्छा, तो फिर ये हमारा जो है 180 डिग्री के। अच्छा, हाँ, देखिए सर हम थोड़ा सा आपको अगर दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से करिए सर, कपड़ों में भी गंदे मत करना। ये है सर, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। बिल्कुल ठीक है, और हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो उसका सम 180 होता है। हाँ, 180 होता है। हाँ, तो यही है सर हमारा मॉडल। ठीक है, आप मतलब इस माध्यम से आप बच्चों को सिखाएंगे कि त्रिभुजों का तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए जसपाल जी। तो चलिए फिर, आपको भविष्य की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक, तो साथियों अब ले चलते हैं आपको हमारे बुद्धिजीवी ट्रेनी श्वेता प्रजापति। चलिए इनका प्रोजेक्ट देखते हैं, क्या विजन है इस प्रोजेक्ट के पीछे, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और हंस भी रहे हैं वो। चलिए फिर अब चलते हैं श्वेता के पास। तो श्वेता जी क्या ये है श्वेता के प्रोजेक्ट के कुछ अंश? ऑड इवन नंबर का। हाँ हाँ, मतलब ऑड इवन नंबर बच्चे पहचानेंगे ना, तो कैसे बनाऊंगी? अच्छा, मतलब कैसे कैसे कराएंगे आप इसको? दो गोले हैं ना। हां हां, जैसे ये दो गोले हैं ना। अच्छा, दो गोले हैं। हां, अभी मतलब इसके ऊपर नंबर 1 से लेके 0 से लेके 10 मतलब 9 तक लिखूंगी। हां हां हां, फिर मैं इसके ऊपर 0 से लेके 10 तक लिखूंगी। अच्छा, फिर पहले बच्चों को बता दूंगी कि इसमें कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, फिर उसमें जो इवन नंबर होगा उसको कलर कर दूंगी। अच्छा, इसमें भी लिख के ना, तो मैं इसमें मतलब छेद करके इसको घुमाऊंगी, जैसे डबल डिजिट आएगी तो उससे ही पता चलेगा बच्चों को, बच्चे पहचानेंगे। अच्छा, कि जैसे अच्छा, तो मतलब आपका है क्या बोलते हैं ऑड को, क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। अच्छा, इसका ज्ञान देना है आपको बच्चों को। ठीक है, तो शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए श्वेता जी। ठीक है, थैंक यू सर। तो साथियों ये है, सारे ट्रेनीज लगे हुए हैं और बाहर भी चल रहा है जहाँ कारपेंटर लोग हैं, जिन बच्चों का भी बचा हुआ है, अभी मेरा भी बच रखा है, अभी तो केवल 15-16 ही रोल नंबर हुए हैं। अब चलते हैं आपको दिनेश भास्कर, हमारे काफ़ी बुद्धिजीवी ट्रेनी हैं, और चलते हैं इनके मॉडल के पास। तो दिनेश भास्कर जी स्वागत है आप सभी का। तो सर क्या है, आप इस मॉडल में क्या बताना चाहेंगे, आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे इस माध्यम से? थोड़ा जोर से बोलिएगा है सर। जी जी जी, इस साइड हम ना। हाँ हाँ, बच्चे क्या है कि मतलब अरबिक नंबर तो आराम से जाने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रोमन नंबर बच्चों को जो है सिखाने में थोड़ा। अच्छा, रोमन नंबर की संगणना ही सिखाएंगे आप बच्चों को? तो हमें मतलब समस्या आती है रोमन नंबर सिखाने की। अच्छा अच्छा, हम क्या करेंगे
इस साइड तो 1 से लेके 12 तक के अरबिक नंबर लिखेंगे। अच्छा। और इस साइड लिखेंगे 1 से लेके 12 तक के रोमन नंबर। रोमन नंबर। अच्छा। और फिर ये दोनों प्लेट इस तरीके से आ जाएंगी। अच्छा, ये दोनों प्लेट इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। अच्छा, अभी तो मॉडल कंप्लीट नहीं है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छा, तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ये घूमेगा भी, ये प्लेट भी घूमेगा। अच्छा, तो इसके मतलब इसमें बीच में स्क्रू लग जाएगा, रोटेशनल है ना। अच्छा, फिर इसमें जैसे यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा? अच्छा, मतलब वही नंबर डिस्प्ले होगा जिसका रोमन नंबर ये होगा। अगर इधर दो नंबर होगा तो इधर रोमन नंबर भी दो ही होगा। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए दिनेश जी। ठीक है ठीक है, फिर तो साथियों आप चलते हैं अपने साथी डंपी सिंह नैनीताल से हैं, जो काफ़ी बुद्धिजीवी ट्रेनी है, और चलते हैं इनका मॉडल क्या है, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। साथियों इनका मॉडल है, ये दिख रही है आपको कुछ सीढ़ी नुमा आकृति। तो डंपी जी बताइए आप इसके माध्यम से बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। देखिए गुरुजी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है असेंडिंग और ये है हमारा डिसेंडिंग। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अच्छा, जितना हमें समझ में आया अभी तक। हाँ हाँ, कि बच्चा पहले यहाँ खड़ा होगा। हाँ, यहाँ चढ़ेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर चढ़ेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर चढ़ेगा। हाँ, जब मंजिल पे पहुंच जाएगा खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, उसके बाद फिर उतरेगा। हाँ, यहाँ उतरेगा, यहाँ चढ़ेगा, उतरेगा उतरेगा उतर के घर पहुंच जाएगा। अच्छा, इतने बच्चे खेल खेल में काम हो जाएगा। अच्छा, तो साथियों अब ले चलते हैं आप पे जहाँ पर कारीगर आ रखे हैं, कारपेंटर साहब आ रखे हैं। अरे वो मतलब नीरज भाई बहुत ही कलाकार। हाँ, वो देख लेंगे आगे। तो साथियों चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं कारपेंटर जी जो बच्चों का जो भी है मॉडल मॉडल कैसे तैयार कर रहे हैं। तो चलिए फिर आगे, और यहाँ चल रहा है चाय काल, और ये है वो प्रतुड़ी जी की घड़ी, और ये आ रखी इन बच्चों के लिए चाय। और चलिए फिर बाहर, तो ये आ गई सारे ट्रेनीज के लिए चाय। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। ये सारे ट्रेनीज के लिए चाय आ चुकी है, अब मैं चलता हूँ बाहर। मैम से तो फ्रेंड ये चल रहा है पीछे पे, चाय काल चल रहा है। तो चलिए ये है मिस्त्री लोग जो आ रखे हैं। साथियों यहाँ पर चल रहा है पीछे कारपेंट्री का कार्यक्रम, तो यहाँ पर कारीगर भी आ रखे हैं और बच्चों के डिफरेंट मॉडल बना रखे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये किसकी कटिंग हो रही है यहाँ पे? फ्लाई की कटिंग हो रही है। नहीं, किसका? आपका है ये? यस सर। ठीक है, क्या बनाएंगे आप? ठीक है ठीक है, शुभकामनाएं। हाँ, तो फ्रेंड ये है इसका प्रोजेक्ट है, इसका नाम अवंती का। हम इसके साथ हाथ बटा रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम ट्रायंगल्स बना रहे हैं, हमारा फाइनल पार्ट है। ट्रायंगल्स बन जाएंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, उसे थोड़ा रेक्टेंगल में ऊपर से हेड हेड बना रहे हैं। तो फ्रेंड ये है जसपाल भाई का। तो जसपाल भाई हेलो, क्या है आपका प्रोजेक्ट?
आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या सिखाएंगे आप बच्चों को? यूनिट्स ये बनने, इनकी स्ट्रिप इतनी सारी, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इनमें, बहुत सारा पाउडर उड़ते हुए। सेम उनका भी वही है, डी का सेंटी वाला। तो फ्रेंड अब ले चलता हूँ आपको मोहित भंडारी के पास, ये बच्चों को क्या ज्ञान देंगे, क्या सिखाएंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को। तो चलिए, ये है मोहित भंडारी, भावी शिक्षक। तो चलिए पूछते हैं इनसे क्या है इनका विजन बच्चों को सिखाने के अर्थ में। ये इनका चल रहा है पेंट का कार्यक्रम। तो भंडारी जी क्या बताएंगे आप बच्चों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? इस प्रोजेक्ट में बताऊंगा मैं एंगल्स क्या, कितने टाइप के एंगल होते हैं। अच्छा, कोण बताएंगे मतलब आप बच्चों को? हाँ, कितने टाइप के एंगल होते हैं। हाँ, एंगल वैसे होते हैं जैसे एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, और रिफ्लेक्स एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अच्छा अच्छा, एंगल्स आ जाएंगे 360 से ऊपर कोई एंगल होता है नहीं। हाँ हाँ हाँ, 360 तक लास्ट एंगल होते हैं। अच्छा, पूरा गोली में ना। हाँ हाँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले मैं प्रोटेक्टर की मदद से ये बना दूंगा, जैसे प्रोटेक्टर में रहते हैं यहाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ सारे वो बना दूंगा मैं, जैसे 110 120। अच्छा अच्छा, ये 90 डिग्री ऐसे सारे एंगल बना देंगे, सारे एंगल बना दूंगा। ठीक है, फिर जो ये पेंट हो रहा है जिसमें, अच्छा तो एक पार्ट जो यहाँ से कट कर रखा है, अच्छा अच्छा, ये इसके अंदर से, हाँ, यहाँ से जाएगा। तो जो एंगल्स लिखे होंगे मैंने यहाँ पे, ये वाले सारे, उस हिसाब से मैं इसे जैसे ना ऊपर ले आऊंगा। अच्छा, अगर मैं 60 डिग्री बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 60 डिग्री तक इतना, जो ये येलो कलर कर रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा, तो येलो कलर दिख जाएगा इतने से इतने तक। अच्छा ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल पता लग जाएगा, 60 डिग्री मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एंगल को? हाँ, ये 60 डिग्री। तो आप इसमें मतलब वो क्या बोलते हैं वो कर देंगे इस रिप्रेजेंट, है ना? हाँ, तो जो 60 डिग्री होगा, जो येलो वाला है ना, इतना येलो पार्ट हो जाएगा 60 डिग्री में। अच्छा अच्छा ठीक है, ये जैसे एक्यूट एंगल है तो पता चल जाएगा। हाँ, फिर जैसे 90 डिग्री है तो मैं उतना ही और बढ़ा दूंगा इसे। अच्छा, उसको रोटेट करेंगे उतना, इसे रोटेट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो येलो पार्ट हो जाएगा इतना। अच्छा अच्छा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है ठीक है, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ सारे एंगल ऐसे ही बताएंगे मतलब। ठीक है, फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, तो साथियों ये चल रहा है पेंट आपका, नहीं हुआ सर? हो रहा है सर, अब हम इसे पेंट कर रहे हैं। एक तो मैंने येलो किया है और एक तो मैं रेड कर रही हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे मैम आप बता दीजिए आप क्या कर रही हो सामने। ले चलते हैं आपको जसपाल सिंह गुसाई के पास, उनका क्या प्रोजेक्ट है, क्या सिखाएंगे वो बच्चों को। तो चलिए, इनका TLM किस कॉन्सेप्ट को हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान देगा, तो चलिए जसपाल जी सिखाएंगे। तो साथियों ये है जसपाल गुसाई, तो बताइए गुसाई जी आप इन छोटी छोटी डंडियों से क्या क्या ज्ञान देंगे बच्चों को? डंडियों से नहीं देंगे भाई जी। हाँ 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 हाँ, इसको पहले हम ऐसे सेट करेंगे। अच्छा, ये आप बोर्ड में लगाएंगे इनको? लगाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर ये लगाएंगे, इसके ऊपर ये वाली ये पट्टियाँ आएगी। अच्छा, इसके ऊपर लिखेंगे हम किलो डेका सेंटी। अच्छा, किलो डेका सेंटी मतलब मीटर की यूनिट की ये देंगे आप इसको, मेजर ऑफ यूनिट का कॉन्सेप्ट है आपको। अच्छा, इसको लगाए हमने ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे लगाना है, इसमें डिजिट आ जाएगी आपकी, इसमें आप कुछ लिखेंगे, लिखेंगे 1, 0, 0, 0, 0. हाँ हाँ, मतलब 1, 10, 100, 1000 जो भी है ना। ठीक है ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए जसपाल जी। ठीक है, तो साथियों अब चलते हैं हमारे होनहार प्रतिभावान ट्रेनी के पास, अभिषेक नोटियाल। इनका बच्चों को सिखाने का है आरोही और अवरोही क्रम। तो चलिए फिर बात करते हैं इनसे क्या कॉन्सेप्ट देंगे ये बच्चों को। तो साथियों ये है, ये कुसुम खत्री और नोटियाल का प्रोजेक्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। तो चलो डिस्क्राइब करेंगे आपको क्या क्या बताए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। नोटियाल जी क्या बताना चाहेंगे आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? प्रोजेक्ट ये देखिए, ये सीढ़ियाँ जो है ना, हाँ 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 हाँ, ये कर रही हैं काम जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ऐसे आरोही और अवरोही का, और अवरोही। हाँ हाँ, मतलब कैसे? ये हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और फट्टा लगाएंगे, फट्टा लगेगा इसमें, यहाँ से एक पाइप या धागा कुछ भी लगाएंगे। अच्छा अच्छा, इससे जो है बॉल लगाएंगे इस पे। अच्छा, धागे पे बॉल लगेगी। हाँ हाँ हाँ, जो भी कोई बच्चा होगा वो है ना, धागा ऐसे ऐसे ऊपर। तो इन दो सीढ़ियों को ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे दोनों को? ऐसे ही ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं, या ऐसे भी तो रख सकते हैं ना इनको, ऐसे में ऐसे में ऐसे में, यहाँ से असेंडिंग और यहाँ से डिसेंडिंग, कैसे भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर ऐसे में कॉन्सेप्ट ज्यादा मेरे को लग रहा है रिलेवेंट होगा। नहीं, इसमें और चीजें भी आएंगी ना बीच में। अच्छा, क्या क्या है ना?
इसमें जो बॉल जो मैं बोल रहा हूँ ना बॉल वाला कंसेप्ट, हाँ, हाँ, वो ऐसे में आएगा नहीं। अच्छा अच्छा, वो ऐसे में आ पाएगा है? वो यहाँ से जाना पड़ेगा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें मतलब बच्चों को छोटे बड़े का ज्ञान होगा या मतलब बॉल बॉल किसी नंबर इस पे तो अभी नंबर डालने हैं। अच्छा नंबर पड़ेंगे 2, 3, 4, 5 इन सीढ़ियों पे पड़ेंगे या यहाँ पर यहाँ यहाँ सीढ़ियों पे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, हाँ हाँ, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर से 10, 9, 8, 7। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या करें बॉल ऐसे ऐसे खींचेगा, बच्चे को मजे भी आएगा, मजा आएगा, वर्किंग मॉडल एकदम मजा आएगा कि सोची ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए नोडिया दी। चलो चलो फिर मिलते हैं आगे आपसे। फ्रेंड अब ले चलते हैं आपको हमारे होनहार प्रतिभावान ट्रेनी के पास, ये है अवंतिका। तो अवंतिका जी आप इस बॉक्स के माध्यम से क्या ज्ञान देंगे बच्चों को? ये हमारा बॉक्स, मास्क उतार दीजिए, ये हमारा बॉक्स, ये हमारी रेक्टेंगल स्ट्रिप्स है, हाँ हाँ, इसके हेल्प से हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाएंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब हिंदी में कन्वर्जन, कन्वर्जन हाँ, यूनिट का। अच्छा अच्छा, हेक्सा से डेक्सा, हेक्सा से डेक्सा, अच्छा हेक्सा से डेका, सेंटीमीटर जो भी है ना। अच्छा तो मेजरिंग यूनिट क्या है ना, ठीक है ठीक है, फिर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो साथियों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी ट्रेनीज की क्या क्या TLM का कार्यक्रम चल रहा है, वर्कशॉप का। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नई वीडियो में, थोड़ा आजकल एकेडमिक चल रहा है तो ऐसी वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल माई फ्रेंड, जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।